पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा राजस्थान में कांग्रेस सरकार वापस होगी रिपीट। अलवर शहर फूलबाग में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की, जिसमें जिले भर से अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आमजन उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से वार्ता करते समय कहा कि सरकार राजस्थान में वापस रिपीट होने वाली है। जो काम कल्याणकारी काम हुए हैं, महंगाई राहत कैंप ही नहीं, बस जो पिछले 5 साल में काम हुए हैं, चाहे स्कूल कॉलेज रोड बने, डिस्पेंसरी PSEC खुली है, इतने बड़े काम जो है वह हर वर्ग के लिए काम किया गया, वह कांग्रेस सरकार ने किया। जनता भी चाहती कि कांग्रेस सरकार वापस आए। और उन्होंने कहा कि जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनके अंदर एक खास खुशी है, जो पुरानी पेंशन है उनको वापस चालू करने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे ही राजस्थान सरकार ने पेंशन जारी की, वैसे ही भारत सरकार कहती कि चालू नहीं करनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस सरकार नहीं आई तो भारत सरकार की जो सबसे पहले तलवार चलेगी वह कर्मचारियों पर चलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने टिकट के बारे में बयान दिया कि टिकट पूरा सर्वे करके दिया जाएगा। दूसरे प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं और कर्नाटक चुनाव के अंदर जो सीखा हमने, उसको राजस्थान के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने खुद को चुनाव लड़ने को पर कहा कि कभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये नहीं होता कि हम अपने आप को घोषित कर लें, जो पार्टी निर्णय करती है वही चुनाव लड़ता है। नटने के बारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में काफी काम हो चुका है। उन्होंने बताया कि जो मट्टी आसपास के क्षेत्र में इसके अंदर आ रही थी, उसकी वजह से पुराना एग्रीमेंट हुआ था, पानी डिवाइड होता था, 25% दूसरे को जाता था और 75% यहाँ आता था। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अलवर को पानी आ रहा था वह कम हो गया, क्योंकि वहां पर सेटिंग हुई है, अब उसको डिसिप्लिन का काम हुआ है। अलवर शहर को सिलिसेड को साथ जोड़ने के लिए अब जो वर्षा हो रही है, उसके दौरान अलवर शहर को पर्याप्त पानी मिलेगा और जय संबंध से भी पानी आएगा। उन्होंने कहा कि भरतपुर धौलपुर अलवर जिले पड़ोसी हैं, इन सब से बात करने और अलवर जिले का हक है वह मिलना चाहिए। आपने सिली से आइए नटनी का बारा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी काम उस क्षेत्र के अंदर हुआ है। जो मट्टी आसपास के क्षेत्र से जो अंदर आ रही थी उसके अंदर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक पुराना एग्रीमेंट हुआ था, जो एक पुराना परंपरा थी, उस हिसाब से पानी डिवाइड होता था उसके अंदर, 25% वहाँ जाता था, 75% यहाँ आता था, जिस तरह का ये डिवीजन था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अलवर को पानी आ रहा था वो कम हो गया, क्योंकि वहाँ सिल्टिंग हुई है, तो इसलिए अभी डीसिल्टिंग का काम हुआ है। जैसमंद को की उसको नहर को करने का हुआ है, अलवर शहर को सिरीसेड के साथ जोड़ने के लिए वो नहर का बहुत बड़ा एक काम हुआ हुआ है। तो अब जो वर्षा हो रही है उसके अंदर अलवर को पर्याप्त रूप से पानी मिल, जैसमंद में पानी आएगा, बिल्कुल आएगा पानी। जैसे भरतपुर में तो चंबल नदी का पानी आने लग गया है, तो क्या उसको रोकेंगे क्या पाना की भरतपुर से बातचीत करके? ये तो कर लेंगे, तो अपने अपने पड़ोसी है, अलवर भरतपुर धौलपुर सवाई माधोपुर, ये जो है अपने एक ही पुराना क्षेत्र के लोग हैं, सबों से बात करके जो अलवर का हक है वो लोगों का हक मिलना चाहिए उनको।